सोलन में जन जागरण अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जहां एक ओर एकता का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान देकर एक नया विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर की नियुक्ति पर सवाल उठाए और कहा कि अध्यक्ष की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ खुलेआम कार्य किया और उन्हें हराया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसे यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि पार्टी के लिए शर्म की बात है। उन्होंने अपने भाषण में सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी निशाना साधा और कहा कि कई ब्लॉक की समितियों में पुराने कार्यकर्ताओं की नजरअंदाजी की गई और नए कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई। अगर कर्मठ और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाएगी तो वे इसका विरोध जरूर करेंगे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने वीरभद्र सिंह की किसी भी टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सारे कार्यक्रम में एकता का संदेश देते नजर आए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर कहीं कमी रह गई है तो उसे दूर किया जाएगा और आने वाले चुनावों में जीत हासिल की जाएगी। तो आप मानते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति जो गलत हुई? प्रदेशाध्यक्ष नहीं है, उसकी क्या नाम हुआ, युवा बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, अगेंस्ट प्रिंसिपल। या जो आदमी कांग्रेस के कैंडिडेट को काम करने में जिसका हाथ रहा, हाथ का प्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा, सबने देखा है, सुना है, देखा है, और वो फिर हिमाचल प्रदेश के यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाए, इससे बड़ी बड़ी शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती। ये आदमी जो है उसने कांग्रेस के जो कैंडिडेट है कलेश जंग, उनको टिकट मिला था वहाँ पहुँचे साहब से, चाहे उसकी मदद करने के वो की 20-30 बच्चों की बच्चे इकट्ठे की लड़के, और थ्रू आउट इलेक्शन वो उनके खिलाफ काम करते रहे। इलेक्शन से पहले कई लोग जो है वो पद भ्रष्ट हो जाते हैं। मैं भी आप इलेक्शन आ रहे हैं तो मैंने कहा है कि अब वक्त आ गया है सारे मतभेदों को भुलाने का और एक होकर काम करने का। या तो अपने आप को सुधारें, नहीं सुधारते तो नो प्लेस इन द पार्टी। तो मैं झूठ नहीं बोला, जो उनके आरोप है, अगर उन जो कैंडिडेट अगर लिख के देगा और कैंडिडेट ने वो उसने लिख के दिया है तो उस प्रकार अगर ऐसी बात होगी तो हम उस बारे में दिल्ली में बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एकमात्र उद्देश्य इस लोकसभा चुनाव में चारों सीटें जीतना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, हम सब मिलजुल कर एकजुटता से आगे इस कार्रवाई को चलाएंगे। जहां कहीं गलत हुआ है वहां उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी एक विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं गलतियां हुई है उसमें सुधार नहीं करेगी, हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है और सुधार होते रहते हैं।